अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वेज शाही बिरयानी। आप देखो आपको कैसी लगेगी। माशाल्लाह सेम नॉन वेज बिरयानी का टेस्ट आता है, क्योंकि उसे पूरा हेल्पफुल मैंने बनाई हूँ। हर चीज़ अच्छी डाली हूँ, क्योंकि जो लोग वेज खाते हैं तो उनको भी अच्छे से ताकत आए, अच्छे से वो खाए। कभी इंसान बीमार हो जाता है, बीमार होने पर डॉक्टर बोलते हैं नॉन वेज नहीं खाने का, तो ऐसी वेज तरकारी भी आप बना कर खा सकते हो इन चीजों से, इन मसालों से, जिसके लिए लगने वाली चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ। एक चावल है बिरयानी के 600 ग्राम। चावल आप कौन सा भी ले सकते हो, अपनी बिरयानी तो अच्छी बनती है। और ये तरकारी है, गाजर, फुलावर, शिमला मिर्च, फरस भी, ये अपने हिसाब से लेंगे, जिसको जैसी लगे वैसे लेने का। ये टमाटर है 3, ये मटर है, ये मखानी है जो मैं तल वगैरह के लूंगी वो आपको दिखा रही हूँ आगे। ये तली हुई प्याज है, ये दही है कोई 4 चम्मच, ये ऊपर से डालने के लिए धनिया है, ये आलू है। आप अगर बड़े आलू लिए तो भी चलता है, मगर मैंने छोटे आलू को टोच कर फ्राई किए, और फ्राई करने के बाद उसको थोड़ा सा वेनेगर और थोड़ा नमक लगा के रख दी। मैं नीचे नहीं डालती, ऊपर जब अपनी बिरयानी खाने लेते हैं तो ऊपर उस मसाले में रख देती हूँ। और ये प्याज है, प्याज दरमियानी साइज के 5 प्याज थे। और ये उसके मसाले है, मसाले में जाएंगे धनिया 1 चम्मच चाय का, ये जीरा है 1/2 चम्मच, ये अपने बीज काजू बीज का टुकड़ा है जो मैंने 1/4 चम्मच 3 ली हूँ, और ये 1/4 चम्मच मग्ज है, ये धनिया है, ये मिर्ची है हरी, ये अदरक है, ये लहसुन है, अपने हिसाब से लो। एक काली मिर्ची है 10, ये 4 लौंग है, थोड़ी दालचीनी का टुकड़ा है, 5 इलायची, 5-6 इलायची है, और लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर जब बनाऊंगी तब आपको मैं दिखाऊंगी डालते वक्त। इतनी चीजें अब है, अब मैं कैसे कर रही हूँ आपको बता रही हूँ। और ये अपनी मनु का है, और ये काजू बीज है, वो फ्राई करूंगी और ऊपर से चावल पे डाल दूंगी, जिससे अपनी ताकत भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तेल में मखानी तल के लूंगी। आपको ताजा घी हो तो देसी घी डालो, मैं तेल डाल रही हूँ, मुझे तेल में अच्छा सब तरकारी का खुशबू आता है, अलग अलग तरह के सब मिलती है, तो मैं तेल डालती हूँ। इसमें पहले जाएंगे मखानी, मखानी तल के लूंगी, इन मखानी को भी फिर बारीक करूंगी। मखानी की ताकत तो आपको पता है, माशाल्लाह मैं महीने में एक बार तो वेज बिरयानी करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी तरकारी पेट में जाती है अपनी, और बिरयानी भी इतनी टेस्टी रहती है अपने को एहसास भी नहीं होता कि आपने नॉनवेज नहीं किए, ऐसा लगता है नॉनवेज ही खा रहे, क्योंकि अच्छी भी है, सब चीज़ अच्छी अच्छी गई हुई है। आप करो, ज़रूर करो। नॉन वेज वालों भी करो और वेज वालों तो जरूर करो। अबे हो गए, सिर्फ 2 मिनट लगे तलने को, हो गए अबे निकल रहे। सर अब सूखे मसाले जाएंगे, सब मसाले एक साथ डालेंगे, थोड़े उसको तलने का। करी पत्ता मेरे पास लाया हुआ नहीं, नहीं तो मैं करी पत्ता भी डालती है, मगर वो पूरा नहीं, और पूरा में काला हो जाए तो मैं लेती नहीं उसे। और करी पत्ते में तो बहुत फायदे, बहुत। अब ये तल के हो गया मसाला, अब इसको थोड़ा ठंडा करूंगी और मिक्सी में लगाऊंगी, ये भी लगाऊंगी, ये भी मिक्सी में लगाऊंगी, और ये प्याज भी मिक्सी में लगाऊंगी।
सब एक साथ पेस्ट करूंगी, फिर मैं आपको सब बता रही हूँ। करो, जरूर करो, बहुत अच्छी लगती है। ये मखानी है, नीचे ऊपर प्याज है, इसको पीस के अलग रखूंगी, मसाला अलग पीसूंगी। ये मखानी और अपना बिरिस्ता प्याज तला हुआ पीस के हो गया, इसी में अब जाएगा अपना मसाला। पहले वो तल के वो पिसवा के लिए अब इसको एक साथ पीस लूंगी। ये हो गया अपना मसाला। मसाला उसमें तली हुई प्याज भी, तली हुई मखानी भी, सब एक साथ। अब देखेंगे आप कैसा कर रहे हैं। तेल आप अपने हिसाब से लो, बिरयानी के लिए थोड़ा ज्यादा लगता है तेल, अगर ज्यादा हो तो निकल के रखने का। मैं अब इसी तेल में काजू की फ्राई करके लूंगी और थोड़ी सी सेकेंड के लिए मन भी फ्राई करूंगी, क्योंकि ऊपर लगाने के, ऊपर डालने के, ये लगाओ ना लगाओ अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर का जो टेस्ट है ना, आप समझोगे कि कोई फर्क नहीं नॉन वेज में, क्योंकि अपन मसाले अच्छे इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट मसाले से आ जाता है, और तरकारी का टेस्ट मसाले का टेस्ट एक हो जाता है। और अगर कोई वेज बंदा, वेज इंसान अंडे खाता हो तो इसमें अंडे तल के डालने के, और कोई पनीर भी डाल सकते हैं, मगर घर में अभी पनीर लाया हुआ नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली हूँ। नहीं तो पनीर फ्राई करने का, वो भी तरकारी के साथ नीचे डालने का मसाले में, एकदम अपने लिए बहुत अच्छा और फर्स्ट क्लास, एकदम खाने में भी टेस्टी। अब ये निकाल के रखूंगी और एक सेकेंड के लिए मनुक भी डालूंगी, सेकेंड के लिए मनुक डालूंगी। अब मनुक निकालना। अब इसी तेल में प्याज तलूंगी, फिर प्याज तलने के बाद थोड़ी निकाल के रखूंगी और फिर मसाला डालूंगी। अब प्याज को तलूंगी, अब सब चीज आपको बता दूंगी, जरूर करो, बहुत अच्छी लगती है। और लाल करना है उसको। अब प्याज इतना हुआ तो उसमें से प्याज और थोड़ा तेल निकाल कर रखूंगी ऊपर डालने, क्योंकि ये प्याज फिर तेल में लाल हो जाता है, इसलिए पहले ही कम तला हुआ निकालने का। अब इसमें जाएगा नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी चीजें हो उस हिसाब से नमक डालने का। अब इसमें जाएगा अपना हल्दी, हल्दी पाव चम्मच की, और ये एक चम्मच है लाल मिर्ची पाउडर घर में बनी हुई, और कश्मीरी आधी चम्मच जिससे रंग आता है। अब तरकारी के लिए हींग जाएगा, क्योंकि मटर है। जी बेटा, क्या बोलते हैं। अब इसमें जाएगा अपने सब मसाला पिसा हुआ। हाँ, अब इसमें जाएगा टमाटर, ना पनीर की जरूरत होती है ना और किसी चीज की जरूरत है,
बहुत टेस्टी लगती है, करो जरूर करो, और ज्यादा अपने पेट में तरकारी भी जाती है। मैं महीने में एक बार करती हूँ, मैं हर हफ्ते में करती हूँ, मगर मेरे बच्चों को ज्यादा नॉन वेज पसंद है और मेरे को वेज पसंद है। मैं नॉन वेज के साथ भी एक वेज रखती हूँ क्योंकि मुझे वेज बहुत पसंद है। अब 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख रही हूँ और उधर पानी चढ़ा रही हूँ ना चावल उबालने के लिए, वो आपको दिखा रही हूँ। पानी में अब सब जाएगा, गरम मसाला, 4-5 काली मिर्ची है, 2 इलायची है, 4 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है। चावल में नमक ज्यादा जाता है क्योंकि वो पानी बाहर जाता है तो चावल को उतना रहता नहीं। ये नमक जाएगा 1.5 स्पून। दो मिनट हो गए इसको भूनते हुए, अब इसमें जाएगा अपना फ्लावर और लास्ट में डालूंगी शिमला, क्योंकि शिमला जल्दी गल जाती है। फ्लावर के बड़े टुकड़े किए इसलिए, तो फ्लावर भी जल्दी गलता है, बड़े बड़े टुकड़े किए तो नहीं जल्दी गलेगा। अब इसको ढक के 2 मिनट रखो। अब पानी को उबाल आया तो पानी में चावल जाएंगे। इसमें पानी डाल रही हूँ मिक्सी धो के, और थोड़ा डालूंगी, हाँ दिखा रही हूँ। पानी डालने के बाद सब एक साथ कर लेंगे। अब इसमें दही भी जाएगा और पानी भी जाएगा, 5 मिनट पकेगा, ऊपर से चावल डाले जाएंगे। पहले दही जाएगा, ये दही 4 चम्मच है। अपने को अगर बिरयानी नहीं करनी है तो थोड़ा कम मसाला लगाने का, और ऐसी तरकारी मैं आपको भी करके दिखाऊंगी, तरकारी करके खाने की बहुत बेहतरीन लगती, पूरियों के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जीरा राइस करो, तरकारी करो, बहुत अच्छी लगती। दाल करो ना करो कुछ नहीं। अब इसमें थोड़ा पानी डाल दे, और पानी डालने के बाद थोड़ा सा पकेगा। कलर वगैरह अपना एकदम सही है। अब 5 मिनट पकेगा और चावल जाएंगे। ये अपने चावल है, 600 ग्राम चावल है। चावल छोटे चावल भी अच्छे लगते हैं। चावल 80% गलाने के, ज्यादा नहीं, फिर वो खरे खरे चावल अच्छे लगते। मैं उबालने को तेल डालती हूँ कुछ ना कुछ, फिर भी कभी चिपचिपे चावल होते ही नहीं। चल पुराने चावल लेने के, नए चावल लेना है, चावल चिपचिपे हो जाते। चलो अब उसको गाल रही हूँ यानी निथोर रही हूँ। फिर मैं अपनी जाएंगी शिमला मिर्च, शिमला जल्दी नरम हो जाती है। जो बाहर की बिरयानी मिलती है वेज, वो खाई नहीं जाती, इसलिए एक बार वेजिटेरियन लोगों ने जरूर पकाओ, बहुत से फायदे हैं इसमें। जो चीजें पड़ी उसमें मग्ज है, काजू गिर है, बहुत सी चीजें फायदेमंद है, और इतनी तरकारी है, और फिर आपको क्या टेस्ट आएगा वो देखोगे। इस पर अगर मसाला आ गया तो हो गया अपने आप। इस पर चावल डालेंगे, हाँ अब जाएंगे अपने चावल।
इसमें डालूंगी थोड़ा सा कलर, ना डाले तो भी चलता है। अभी जाएगा वो ऊपर तली हुई प्याज, वो गर्म है इसलिए ऐसे चम्मच से डाल रहे हैं। अब इसमें दो मिर्ची ऐसे डालेंगे। खुशबू के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वैसन डालती अब बंद हो जाएगी अपनी बिरयानी। अभी जाएंगे तवे पर 10 मिनट के लिए, पहले बड़ी आग बाद में छोटी आग। 10 मिनट भी नहीं, 3 मिनट मोटी आग रखूंगी और 5 मिनट बारीक, बस हो गई बिरयानी। अब अपन देखेंगे अपनी बिरयानी हुई क्या। 8 मिनट हो गए, कम थी ना। माशाल्लाह हो गई, हाँ पूरी हो गई माशाल्लाह। आप चाहे तो इसका थर भी लगा सकते थे, मगर ये इजी पड़ता है, आसान पड़ता है अपने को। अच्छा, नीचे सब डाले, ऊपर चावल डाले, हो गया खाने में तो वही टेस्ट। ये अपना मसाला, ये चावल डालने को ऊपर से मसाला और ये तरकारी और ये प्लेट पर हो गई। ये देखो अपना फुलावर भी एकदम नरम हो गया, मगर पूरा के पूरा है, क्योंकि अपन ध्यान से रखते हैं, ऐसे ही रखो ऐसे ही खाओ। अपनी बिरयानी रेडी हो गई, खाओ, कमेंट करो, बताओ आपको कैसी लगी। बहुत लजीज है, और अपने चैनल को आगे बढ़ाने की सब होने कोशिश करो, और मुझे उम्मीद है आप सब कोशिश भी करते होंगे। अल्लाह आपको अच्छे वाला दुनिया और आखिरत का सबों को जज़ा अता करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।